सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो एंड मज़े कर रहे हो। तो आपका स्वागत है नए ब्लॉग में। आप मैं ले आया हूँ अपने लिए आर्ट की एक कॉपी, मतलब डूडलिंग के लिए ला रखा हूँ मैं इसको, ताकि मैं इसमें डूडल कर सकूँ। एंड मैं चाहता हूँ कि मैं याला जो बुक है या तो इस साल या अगले साल तक अच्छे से भर दूँ। 180 पेजेस हैं एंड काफ़ी बड़े बड़े भी हैं, तो मे बी इस साल तो आई डोंट नो, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, देखते हैं क्या होता है। उसके साथ साथ मैं कल शाम को अपने लिए दर्जी से कपड़े बनवा के भी ले आया था, पूरे मतलब बन गए हैं, रेडी हो चुके हैं एकदम। एंड आज सुबह कॉलेज गए थे, तो गाइस क्या बताऊँ, इतना नर्वस फील हो रहा है आज, पता नहीं क्यों। 1 घंटे पहले से तैयार होकर बैठ रखा हूँ मैं, लाइक पता नहीं क्या हो रहा है मेरे को, पर सब बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस हो गया हूँ। एंड काफ़ी सही हो रही थी, मतलब जिस हिसाब से बना सकते थे मेरे ख्याल से उस हिसाब से सही था। इतना मैं ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट नहीं करूँगा उस चीज़ को, मतलब जो बनाई हुई ड्रेस थी ठीक थी। एंड कॉलेज गया था, कॉलेज जाके लाइक बहुत बेकार ही हो गया क्योंकि मेरा सर दर्द हो गया वहाँ जाके। एंड सबसे बुरी बात ये होती है कॉलेज जाके कि यार जब सो ना तो उठा देते हैं बीच में, नींद पूरी नहीं होती, ये बहुत बेकार करते हैं। मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए यार, मतलब जब सो रहा है तो सोने दो ना, उसको छोड़ो यार। उसके बाद मतलब हमने मैथ पढ़ी एंड मैथ के अलावा तो किसी को भगवान को पता क्या पढ़ा रहे थे। बाकी मैथ में भी इसलिए समझ में आया क्योंकि लाइक न्यू वो चल रहा था, टॉपिक चल रहा था, तो थोड़ा बहुत चला ही गया, मतलब उसके साथ फ्लो में थोड़ा बहुत आ ही रहा था। उसके बाद हमने थोड़ा कंप्यूटर प्रैक्टिकल था, तो उसमें मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो एक दो क्लासमेट्स की हेल्प लेनी पड़ी मुझे, तो दो क्लासमेट्स थे मेरे बगल में तो उनकी हेल्प लेनी पड़ी। एंड उसके बाद थोड़ा बहुत मेरे को वो हो गया था, क्या बोलते हैं, बेसिक्स था हल्का फुल्का, उन्होंने समझा दिया था। तो उसके बाद हम आ गए थे घर, घर आके जो मेरा सर दर्द हो रहा था ना, वो भाई मतलब हर बार होता है यार, एक ही बार नहीं, मतलब जब भी मैं कॉलेज से आऊँ ना तो मेरा सर दर्द बहुत होता है। बट उसके बाद सर दर्द तो था ही, अब खाना खाया सो गया लेट के, एंड उसके बाद अभी उठा रखा हूँ मैं, अभी थोड़ी आधा एक घंटा पहले उठाऊँ मैं दोबारा, मैंने अभी खाना भी खा लिया एंड भूख लग रही थी, पता नहीं क्यों, मैं भी सुबह से ज़्यादा खाया नहीं था इसलिए, तो वो खा लिया। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे ड्राइंग पे, तो मैं सोच रहा हूँ कि फर्स्ट डूडल जो है मैं व्लॉग में भी डाल दूँ, उसके बाद जो बाकी के होंगे वो साइड वो लाइक मैं डाल तो सकता हूँ, बट ऐसा नहीं कि मतलब मैं डाल तो सकता हूँ बाकी भी, लेकिन सही नहीं है ना, मतलब इतना कि मतलब एक होता है कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको मेरे को थोड़ा इंट्रोड्यूस भी करना पड़ेगा ना, कि एकदम मैंने डूडल तो नहीं कर सकता, तो मेरे को पहले इंट्रोड्यूस भी करना पड़ेगा कि आज इतना टाइम हो रहा है, इतना बला बला। एंड मतलब आप समझ गए ना, मेरे को बोलना भी नहीं आता यार, एक तो शिट। इसके बाद चलते हैं फर्स्ट डूडल बनाने। यहाँ पे मैं हैंड वार्मिंग कर रहा हूँ सर्कल्स ट्रायंगल्स लाइंस बना के, जो कि आर्ट करने से पहले ज़रूरी होती है, इससे जब हम डूडल या कोई आर्ट करते हैं तो उसमें फ्लो आ जाती है। गाइस मैं अपने फर्स्ट डूडल के लिए बनाऊंगा पिकाचू, ये है पिंटरेस्ट से मैंने इसकी वो ली है, एक ट्यूटोरियल टाइप की है, इजी सी क्यूट इजी ड्राइंग हाउ टू मेक पिकाचू इन 2023, तो मैं आज पिकाचू बनाऊंगा, देखते हैं कि कैसा बनता है। सो गाइस मैंने बना दिया अपना फर्स्ट डूडल, एंड जैसे कि उम्मीद कर सकते हो बहुत ही बेकार बनी है, लाइक बहुत ज़्यादा बेकार। ये पिकाचू है बट ऑफ कोर्स अच्छा नहीं बना है। बट आई विल डू माई बेस्ट एंड मेक मोर बेटर डूडल्स, तो
अभी के लिए ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। एंड बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा, कूलर चला रखा तब भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। देखते हैं आगे कुछ ब्लॉग में होता है, वरना ख़त्म कर दूंगा मैं बाद में। बाय, आगे मिलते हैं मतलब ब्लॉग में। बाय नहीं।